रुक जाओ प्रभ, देवी संतोषी के मंदिर में प्रवेश मत कर, अन्यथा तुम शक्तिहीन हो जाओगे और हमेशा धरती लोक पर भटकते रहोगे। इस समय तुम धैर्य से भेंट करने जाओ और मणि प्राप्त करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। हमारी मणि हमारे समक्ष है और हम अच्छा खासा पलेन था, ये देवर जी ने बैंड बजा दी। ए बड़की भाव जी, हैं कहाँ अकेले अकेले कूद रही हो, हैं दिल जला रही हो, ऐसे तबियत जो है ना खराब हो जाती है, नहीं करना चाहिए ऐसे ना। हम बता, अरे क्या कर रही हो, मजाक है क्या, अरे बात कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमारा व्यापार चौपट हो गया है। ए बड़की भाव जी क्या कर रही है, हम जैसे महंगे इंसान पे ऐसी सस्ती चप्पल फेंक रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? और बड़की भाव जी एक बात बताए, अभी तक इतना रायता फैला नहीं है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक बात बताए तुमको, इस सब में गलती तुम्हारी है। हाँ, अगर मिल बांट कर खाते तो हम तुम्हारे बीलाइन में आग थोड़ा लगाते। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। इतनी ही बुराई है ना, सारी बुराई है तो हम मैं परिवार की, अरे इतने लालचिया तो काफी लग रहे हो हमारे पास। मार काहे रही हो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आए थे, एक प्लान था तुम्हारे लिए, एक नई डील है जिससे तुम फिर से लखपति बन जाओ। अच्छा, और क्या है, बताओ, बता बता, पहले बैठो, आराम से बैठो। हाँ बता। हाँ बताते, तो ऐसा है बड़की भाव जी कि लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार तो कर ही दिया है, हैं, क्योंकि तुम्हारी जो है ना पोल है ना वो तो खुल गई है लोगों के सामने, तो क्यों ना इसी का फायदा उठाया जाए और इसी को हथियार बनाया जाए। मतलब जे कि ये जो प्रायश्चित होता है ना, है जो प्रायश्चित होता है, ये बड़ी कमाल की चीज होती है। अच्छा। अगर ये करने लगो तो लोगों को लगता है कि आप सुधर गए हो, इसी प्रायश्चित का हम फायदा उठाएंगे और माल बटोरेंगे। माल बटोरेंगे सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये होगा कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। समझाने के लिए हम बैठे हैं ना,